26 जनवरी नूं दिल्ली दे लाल किले ते वापरे घटनाक्रम तो बाद पुलिस वलों गिरफ्तार किए गए करीब 200 नौजवानों नूं जिन्हां नूं जेल विच डक्या गया है उन्हां दी रिहाई लई कुछ सिख जथेबंदियों वलों अज लुधियाना दे डीसी नूं मंग पत्र दिता गया। आओ वेखदे हां एक रिपोर्ट। अज का जो मंग पत्र है जेडे साढ़े जानी संघर्ष के शामिल हो गए थे नौजवान वीर बिच कुछ बजुर्ग भी ने साढ़े जेडे उ मोदी सरकार वालों जेलों में डके हुए ने उन्हां दी रिहाई वास्ते जो अज असी मंग पत्र देना आए थे डीसी साहब लुधियाणा कि वह सरकारां तक साडी आवाज़ पहुँचाउण कि वो जिहड़े नौजवान उन्हां नूं जल्द तो जल्द रिहा किया जाए। दूसरी गल असी इत्थे इह करांगे कि उन्हां उत्ते जो ये जेलों में बंद करन दी कारवाई हुई आ सानू तां अजे तक यह नहीं पता लग रहा भी वह किहड़े बेस ते उन्होंने उन्होंने जेलों में डक दिता जदकि यह जिहड़ा हथकंडा सी मोदी सरकार दा सी जिहड़ा लोकां नूं उत्थे भड़काया गया रूट प्लैनिंग है जिहड़ी कदे वह किसे रूट की देती कदे किसे रूट की देती 24 घंटे पहला रूट प्लैनिंग बदल के होर दे दित्ती गई। नौजवान इतों लखां ट्रैक्टर लैके उत्थे मार्च में शामिल होण गए किन्ने नौजवान जिहड़े लापता गए लापता की लिस्ट 200 के करीब ने जानी बिचों कुछ पता नहीं लग सके हजे कई रेंदे भी आ नहीं दो जिदा बख सू जे है सोशल मीडिया तो फेसबुक तो या व्हाट्सएप के ग्रुपां च सू जे मैसेज आ रहे असं थोनू उस बेस के आधार से दस रहे हैं भी 200 कुछ मुंडे ने तो इसी यही कंफ्यूजन चल रही है सारे के किन्ने मुंडे ने हजे जेड़ा के सही पता नहीं लग रह सकया भी किन्ने मुंडे ने उत्थे फड़े हुए। असी समर्थन उन्हां दी सोच का करते हैं असी उन्हां दा नहीं करते जिहड़ी उन्हां ने सोच पंजाब खातर अपनाई सी जां इत्थों जिहड़ा लखां नौजवान उन्हां ने प्रेर के इस किसान अंदोलन के विच उन्हां ने जोड़िया तुहानू सारे मीडिया नूं जानकारी है ही इस गल दी कि उन्हां दे पिछे किन्ना जिहड़ा यूथ आ वो प्रेरित होकर संघर्ष के गया जदकि उत्थे किसी यूथ ने ज किसी नौजवान ने उत्थे कोई गलत उत्थे हरकत नहीं करी। बार बार इल्जाम ये लग रहा है कि दीप सिद्धू ने उन्होंने भड़का के अंदोलन खराब करने की कोशिश की और बीजेपी का बंदा भड़काहट तो ता कह सकते हैं जे दीप सिद्धू ने स्टेज तो पहला आप लाइव हो के जा उत्थे स्टेज तो अनाउंस करिया होवे भी आपां इदां ही जाणा जदकि नौजवान उत्थे खुद इकट्ठे होए हुए सी उन्हां ने उत्थे आपदियां भावनाहां जाहर करियां कि असीं जिहड़ा पहलां दी रूट प्लानिंग दित्ती आ असीं उहदे विच ही शामिल होणा आए असीं उत्थे ही जाणा। इन्हां ने तो उत्थे उन्हां नूं समझाउण दी कोशिश कीती सी कि नहीं आपां जिद्दां जथेबंदियां कहिंदियां उसे रूट दे उत्ते जाणा पर सिद्धू भी उत्थे पहुंचिया सी लखा सधाणा भी पहुंचे देखा गया जित्थे सिद्धू लाल किले दे विच सिद्धे देखा गया उहदे पहला किते भी नहीं देखा गया याद उत्थे जी वह रौला पिया वा उत्थे थोनू पता ही आ भी उत्थे जिहड़ा हैगा उहनू अपने निहंग सिंह जथेबंदियां दा फोन गया भी तुसीं उत्थे जाके समझाओ नौजवानां नूं भी उत्थे थोड़े नौजवान भटकाहट विच आ वह तुसीं देखो जे थोड़े को नहीं लिंक मैं थोनू लिंक दे दांगे ते उत्थे उन्होंने पहला समझाउण दी कोशिश करी आ जद नौजवान उत्थे कुछ गल्लां होईयां बाद विच हुण जिद्दां होर भी जानकारी लीक हो रही आ भी उहनां नूं उत्थे मारन दी भी प्लानिंग सी तुहानूं वक्खो वक्खरियां गल्लां पता लग रहियां ने नहीं देखो मैं इस गल दा जवाब मैं शायद तुहानूं तरीके दे नाल दे सकां हुण जिहड़ी तुसीं गल करदे हो दीप सिद्धू दी गल करदे हो जिन्ने भी पत्रकार भरा ने सिर्फ तुसीं कहिंदे हो कि असीं जो तुसीं जो शब्द साडे मूंह विच पाउणा चाहुंदे हो ते असीं जिहड़ी तुहानूं गल सरासर गल दस देणा चाहुंदे हां कि 26 तरीक नूं जो उत्थे सिक्योरिटी रीजन सीगे उह किहदी जिम्मेवारी सीगी कि उह साडे जिहड़े किसान भरा सी उहनां दी जिम्मेवारी सी जां जिहड़ी दिल्ली पुलिस सी उहनां दी जिम्मेवारी सीगी। जिहड़ी तुसीं दीप सिद्धू दी गल कर रहे हो दीप सिद्धू सी जिहड़ा वीर साडा
उसने की गल्लां कीतियां, मैं शायद तुसीं सारे वीरां ने देखियां होण, साडे नौजवानां नूं इह गल्लां कीतियां गईआं कि जेकर इह किसानी अंदोलन रद्द करदे तां साडे जिहड़े मनोबल होणगे उह सत्तवें आसमान तक होणगे, ते इह किसानी जिहड़े कानूनी बिल ने काले इह रद्द करवाउण तों बाद असीं पंजाबी बोलदे सूबिआं दी गल करांगे। उदों बाद जिहड़ा साडा प्राइवेटकरण पंजाब दे विच कीता गिआ वा उह असीं प्राइवेटकरण दे खिलाफ आवाज़ चक्कांगे। साडे मुलाजम इक मिनट मेरी मेरा जो मेरा सवाल आ मेरा जो सवाल आ जी 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 क्यों गए? नहीं देखो कौन कह रहा है कि वो रूट नहीं सीगा, तुसी जाके जिहड़ियां पुरानियां वीडियोस ने वो जाके चुको। नहीं नहीं देखो मैं थोनू जो गल करदा वा हुण इह गल थोनू शायद नहीं पता, हो सकता पता होवे, जिहड़ा कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सीगी जिहदा कि इक तां स्वर्ण सिंह पंधेर शायद नाम उहनां दा, उदों बाद पन्नू होणां दी असां गल कर लईए, ठीक है जी, उहनां ने रिंग रोड दा ऐलान कीता सीगा। सो दूसरी गल उन्होंने पिछे लग के गई ट्रालियां, उन्होंने ये गल कही है कि जेकर अज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी रिंग रोड से जाना चाहती है तो सानू पिछे जाने की दराज है। दस बजे टाइम जी जी अठ बजे ट्रालियां तो रही है, मतलब जी नहीं तुम उत्थे मौजूद सके जी, थोड़े कोई उत्थे मैं थोड़ी जी गल करदा वा, सिर्फ थोड़ी गल पुछी है, वीडियो तो बहुत ने ना, तुम ये गल्ला कर दो, तुम ये चीज़ का फिर तुम पड़ताल करो ना कि यह किने क्या वा स्वर्ण सिंह पंधेर की जी जथेबंदी सी, जथेबंदी जाने के लिए उही हुण तुम पत्रकार साहब भरा खड़े हो साडे, हुण तुम सारे साडे भरा खड़े हो, असं अज लखे सिद्धू का समर्थन करना लखे सिधाणे का समर्थन करन आ गए, कि थोड़े पत्रकार भरावां दे कहण ते तुसीं कहो कि लखे सिधाणे का विरोध करो कि तुहाडे पिछे असीं लग जांगे जी। नहीं नहीं मेरा जो मैं जो एक गल कह रहा मैं सिर्फ जो एक ब्रदर देखो मेरा जां तां पहला सवाल ले लो जवाब ले लो या तुसीं सवाल पहला कर लो, मेरी जो कहण की गल आ कोई ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੰਗਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਬਾਈ ਆਜੋ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਗੱਲ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਠਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਊਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜੋ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਕਾਊ ਔਰਤਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਝਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਕੰਗੜਾ ਰੋਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਸਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਕਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸੈਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਫੋਕਸ.ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ, ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼।